Hello, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Okay, well, student, it's your EVS class, and today we will read class 5th EVS NCRT chapter number 5 Seats and Seats. Okay, students, and today we have to start from page number 45. Alright, and the last point straight from your heart. Okay. सीधे दिल की बात ऑल राइट स्ट्रेट मीन्स सीधे फ्रॉम योर हार्ट तुम्हारे दिल से वट इज इन साइड द सीड ऑल राइट स्टूडेंट सो इट्स अ क्वेश्चन वट इज इन साइड द सीड इन साइड मीन्स अंदर ओके okay, तो हमने कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पर किए कुछ ऑब्जर्वेशन किए सीट पर तो अब हमें हमसे ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि सीट के इनसाइड क्या होता है मीन्स के बीच के अंदर क्या होता है ऑल राइट स्टूडेंट सो एज यू नो देयर आर कॉटिलिडोन एंड एम्ब्रियो ओके इनसाइड द सीट गैटिंग सेकेंड हाउ डज अग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड ओके कैसे छोटे से बीच से इतना बड़ा पौधा बन जाता है मीन्स की छोटे से बीज से छोटी सी सीड होती है ना आपने देखा है तो छोटे से सीड से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है ऑन राइट स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स द आंसर यू कैन से दैट द सीड जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ अडलिंग ओके एंड द सिडलिंग एब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इन टू अ बिग प्लांट ऑल अगेन आई एम टेलिंग यू हाउ डज डजे प्लांट ग्रो विधअ सी कैसे एक छोटे बीच से बड़ा पौधा बनता है तो कैसे बनता है स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था जब सीट को सॉयल के अंदर डाल देते हैं और धीरे से उसको सॉयल में दबाकर उस पर वाटर डाला जाता है और कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होता है जो सीट होती है वो प्रोड्यूज होने के लिए वो प्रोड्यूज होती है जर्म ट होती है सिडलिंग में ठीक है और फिर धीरे धीरे सिडलिंग एब्सॉर्ब वाटर करता है और सॉयल से न्यूट्रिएंट्स लेता है फ्रॉम द ग्राउंड सॉयल ओके एंड आफ्टर दैट ग्रोस इनटू अ बेग प्लांट ऑल नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स थिंक एंड इमेजिन और राइट सोचिए और कल्पना करिए अब स्टूडेंट्स आपको सोचना है और कल्पना करना है अब क्या सोचना है आपको वट वुड हैपन इफ प्लांट्स कोड वॉक ड्रॉ अ पिक्चर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इमेजिनेशन ओके आपको क्या करना है एक पिक्चर प्लांट का एक पिक्चर बनाना है ड्रॉ करना है और उसमें ऐसे शो करना है कि यदि प्लांट्स चल सकते अगर यदि प्लांट्स चलें तो वो कैसे लगेंगे ठीक है तो आप कोई एक ट्री बना लेंगे या कोई प्लांट बनाएंगे और उसको मूवमेंट करते हुए दिखा सकते हैं ऑल राइट तो क्या होगा स्टूडेंट्स वट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक इफ एनी वन वॉक इफ एनी वन वॉन्ट टू कट द प्लांट्स एंड प्लांट रन अवे सो सिंपल आंसर ओके इट्स अ फनी आंसर स्टूडेंट्स बट यू कैन एड यूर थाट्स इन दिस आंसर ऑल राइट आप अपने थाट्स यहां पर बताइए कि क्या होगा तो बड़ी फनी फनी सी एक्टिविटीज होंगी अगर प्लांट्स चलेंगे ठीक है अगर वो मूवमेंट कर सकते हैं मीन्स कि कोई उसे तोड़ने जा रहा है काटने जा रहा है तो प्लांट रन अवे ओके वो भाग जाएंगे ऑलराइट right? तो इस टाइप के कुछ भी फनी आंसर्स या जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वो आप बता सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स अब आपको पता लगाना है डू सम प्लांट्स क्या कुछ पौधे बिना सीड्स के भी ग्रो होते हैं ओके मींस कि बिना बीज के भी उगते हैं तो स्टूडेंट्स यस सम प्लांट्स ग्रो विदाउट उट सीड आपने देखा होगा कुछ पौधे जरूरी नहीं कि सारे पौधों में सीड से ही वे पौधों में प्लांटेशन हो कुछ पौधे बिना सीड्स के भी क्या कर लेते हैं ग्रो कर लेते हैं ऑल राइट सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्लांट विथ विच हांड्स ओके ऐसा पौधा जो शिकार करता है या शिकारी पौधे के बारे में हम बताएंगे स्टूडेंट्स ऑल राइट सो देअर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉक्स इनसेक्ट्स एंड इवन माइस द पीचो प्लांट ओके नेपन्थीज इज वन सच प्लांट इट इज़ अ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालया इन इंडिया इट हैज़ अ पीचो लाइक शेप And the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt! Very interesting, isn't it, students? So, what's uh, the plants which हांट ओके इट्स अ वेरी फाइन एग्जाम्पल वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप्स ऑफ प्लांट इट्स अ पीचर प्लांट ओके जिसको पीचर प्लांट या नीपेंथीज भी कहा जाता है बहुत मशहूर पौधा है जो कि चूहे मैड कीड़े मकोड़े या कुछ छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स रीड प्लांट्स विच हंट शिकारी पौधे या पौधे जो शिकार करते हैं ओके देयर आर सम विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉक्स इनसेक्ट एंड इवन माइस ओके कुछ ऐसे पौधे होते हैं स्टूडेंट्स जो किसका मैडक का कीड़ों का और किसका चूहों का माइस इवन चूहों का भी वे क्या करते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं उसका शिकार करते हैं ओके द पीचर प्लांट नेपेंथीस इज वन सर्च प्लांट ऐसा ही एक पौधा है जिसको पीचर प्लांट या नेपेंथीस कहा जाता है जो कि बहुत मशहूर है ओके इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है पीचर प्लांट प्लांट पूरे Okay, हमारे इंडिया में तो ये मेघालय में पाया जाता है और अगर हम पूरे देश की दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में इंडोनेशिया में और इंडिया में या मेघालय में पाया जाता है ओके okay, अब इसकी हम स्ट्रक्चर uh, की बात करेंगे इसके शेप की बात करेंगे कैसा दिखता है पीचर प्लांट ओके इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लीफ ओके तो स्टूडेंट्स पीचर मीन्स क्या होता है घड़ा ठीक है सुराही घड़ा टाइप का ये दिखता है इट हैज अ पीचर लाइक शेप इसके पास घड़े का जैसा आकार होता है पीचर उसको बोलते हैं इस तरह से जो लंबा घड़ा होता है ओके सुराही हम कह सकते हैं थोड़ा उसे तो इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लीफ और जिसके ऊपर किसका ढक्कन लगा होता है यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर ऑफ पीचर प्लांट एक इसमें पत्ती का ढक्कन लगा होता है ओके जिससे इसका मुंह ढका होता है द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट अब इस पौधे से क्या होता है स्टूडेंट्स एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है एक विशेष प्रकार की गंध आती जो कि की कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर खींचते हैं आकर्षित करते हैं ओके वैन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट जैसे ही कोई कीड़ा इसके मुंह पर पहुंचता है ओके okay? जैसे कोई कीड़ा इसके इस, इस पौधे के मुंह के पास पहुंचता है इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट तो क्या करता है वह उसको अंदर की ओर ट्रैप कर देता है मतलब उसको बंद कर देता है और वह बाहर नहीं आ पाता वट क्लेवर वे टू हंट कितना चतुराई से वह इसका शिकार कर लेता है ओके वट क्लेवर हंट कितना चाला कितनी चतुराई से यह पिचर प्लांट कीड़े मकोड़ों का या अन्य छोटे जीवों का शिकार कर लेता है ऑल राइट स्टूडेंट सो इज इट वेरी इंटरेस्टिंग मैटर ओके अबाउट द प्लांट्स विच हंट ओके नाउ नेक्स्ट सो मैनी सीड्स ओके कितने सारे बीज बहुत से बीजों की हम यहां पर बात करेंगे सो मैनी सीड्स यू कैन सी हेयर ऑल्सो द पिक्चर ऑफ सो मैनी सीड्स लाइक ग्रैम ओके एंड सम स्पाइसेस एंड पी ऑल राइट ओके हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट कितने प्रकार के बीज आप इकट्ठे कर सकते हो वेयर विल यू फाइंड दैम ओके और तुम्हें यह बीज कहाँ कहाँ मिलेंगे ईच ऑफ़ यू सो ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन अब आप प्रत्येक कोशिश करिए विभिन्न प्रकार के बीजों को जमा करने की जिन्हें आप जमा कर सकते हैं आफ्टर दैट इसके बाद पुट ऑल सीड्स कलेक्शन टू और इसके बाद आप इन बीजों का संग्रह करिए कलेक्शन करिए नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली ओके अब इन बीजों को ध्यान से देखिए देयर शेप साइज टेक्सचर स्मूथ और रफ ओके okay? और उन बीजों को आपने जब डिफरेंट टाइप्स के सीड्स को आपने कलेक्ट कर लिया तो अब उनको केयरफुली ऑब्जर्वेशन करिए कि देखिए उन सीड्स का आकार कैसा है आकृति कैसी है रंग कैसा है उनका टेक्सचर कैसा है ठीक है उनकी सतह कैसी है ऊपरी सतह वो स्मूथ मुलायम है या रफ है या खुरदुरी है राइट मेक चार्ट टू अप इन क्लास और अब इस सीट चार्ट को आप अपनी क्लास में लगाएंगे ओके okay? यू कैन स्टार्ट विथ अ टेबल लाइक दिस और आप उसको इस टाइप से उसकी चार्ट बनाएंगे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जस्ट लाइक like आप अभी भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी वर्क आप घर पर कर सकते हैं वैन यू आर स्कूल विल री ओपन दैन विल वी विल पुट अप यूअर चार्ट इन अवर स्कूल्स वॉल ऑल राइट तो आपकी हम उस समय चार्ट लगा सकते हैं तो यू सो ट्राई स्टूडेंट्स टू मेक सच टाइप्स ऑफ चार्ट और एक्टिविटी वर्क ऑल राइट सो स्टूडेंट्स जब आप चार्ट बनाएंगे उसके ऊपर आपको हैडिंग क्या लिखनी है नेम ऑफ द सीट ओके तो सीट का नाम आपको लिखना है सपोज वी आर राइटिंग अबाउट राजमा तो हमने यहाँ पर लिख दिया राजमा एंड द कलर ऑफ राजमा स्टूडेंट्स हेयर वी विल राइट सेकेंड नंबर हैडिंग इट्स अ कलर एंड द कलर ऑफ राजमा इज ऑफकोर्स रेड इज ब्राउन ओके एंड थर्ड शेप ड्रॉ और आपने उसका शेप भी बना लिया उसको ड्रॉ कर लिया नाउ टेक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स राजमा का इट्स अ वेरी स्मूथ टेक्चर ऑलराइट इसका जो टेक्सचर होता है काफी मुलायम होता है गेटिंग ओके स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थिंक डिड यू कीप एनीड सॉन्फ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट तो क्या आपकी जो ये लिस्ट है उस लिस्ट में एनी सीड बोलते हैं स्टूडेंट सौंप को ठीक है एंड क्यूमिन बोलते हैं जीरा को राइट तो क्या जो आपने ये लिस्ट बनाई है सीड्स की तो इसमें एनीसीड और क्यूमिन और जीरा पाउडर भी है ओके okay. तो आप लिख सकते हैं अगर आपके उसमें है तो आप लिखिए यस और अगर नहीं है सो यू कैन राइट नो ओके विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड विच एंड वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन तो स्टूडेंट्स आप जो भी आपका कलेक्शन है उस पर आप ये लिखेंगे कि कौन सा बीज सबसे छोटा है कौन सी सीट सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सी सबसे बड़ी है तो सपोज स्टूडेंट्स अभी हमने पिक्चर देखा था वी हैव सो मैनी सीट्स ओके सो अगर हम उसमें कंपेयर करें तो वी कैन राइट दैट एनी सीट एंड क्यूमन सीट्स वर ऑल्सो टेकन इन द लिस्ट एंड सेकेंड वन क्यूमिन वॉच द स्मॉलेस्ट सीट्स ठीक है क्यूमिन क्या है उसमें जीरा जो होता है सबसे छोटा होता है ना आपने देखा होगा राइस के दाने से भी, भी तो मैंगो seed, की सीड है तो मैंगो क्योंकि अभी सीजन भी मैंगो का है तो आपको उसकी सीड इजीली मिल जाएगी ओके तो आप देखेंगे कि मैंगो की सीड मींस कि जो पल्प के अंदर का हार्ड भाग होता है उसे सीडी तो बोलते हैं तो वो क्या होती है सबसे बड़ी होती है अगर आपके कलेक्शन में मैंगो सीड है तो आप लिख सकते हैं कि मैंगो की जो सीड है वो सबसे बड़ी है सो यू कैन राइट क्यूमिन वाज द स्मॉलेस्ट सीड एंड मैंगो वाज द लार्जेस्ट इन माय कलेक्शन और मैंगो नहीं है उसके बदले राजमा है तो राजमा की सीड भी काफी बड़ी होती है तो आप उसे भी लिख सकते हैं ऑल राइट ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाइए अब आपको ये लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स हेयर गिवन सम गिवन यू हैव टू अकॉर्डिंग द सेंटेंस एंड मेक योर लिस्ट ओके सो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस इज सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइस इन योर होम ओके अब आपको ऐसी लिस्ट बनानी है उन बीजों की लिस्ट बनानी है जिसको आपके घर में मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो आप सभी को मालूम होगा स्टूडेंट्स को सीड आपके किचन में हमेशा मिलते हैं जिनको आपकी मम्मा आपकी मदर क्या करती हैं किचन में डिलीशियस डिशेस बनाने के लिए या कुछ और खाना बनाने के लिए यूज करती हैं तो उसमें से जो मेन है स्टूडेंट्स आपने देखा होगा क्यूमिन जीरा आपकी मदर मोस्टली आपके खानों में डालती है ऐसी मस्टर्ड ओके okay, उसे भी मसालों में यूज किया जाता है और एनी सीड सौप को भी कुछ मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है हम उसे आ, कुछ स्पेशल डिशेज बनाने में सौंफ का इस्तेमाल करते हैं सो यू कैन राइट दैट सीड्स दैट आर यूज एज स्पाइसिस इन योर होम क्यूमिन मस्टर्ड एंड एनी सीड एक्सेट्रा और राइट तो ये जो तीन चीज़ें ये जनरली आप सभी के किचन में अवेलेबल होती हैं और आपके डेली आ, मील में ये चीज़ें पढ़ती हैं ओके नाउ सेकेंड स्टूडेंट सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स ओके सो सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स मीन्स ऐसे सीड्स ऐसे बीज जो सब्जी के होते हैं मीन्स जो सब्जी के बीज होते हैं तो कौन से होते हैं स्टूडेंट सब्जी के बीज ठीक है तो आपने देखा होगा आपके किचन में कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिसके बीच में काफ़ी सीड्स होता है और अगर इन सीड्स को हम निकाल के अपने गार्डन में लगाएंगे उसको सुखा के उसके सीड्स बना के तो उससे हमारी फिर से न्यू वेजिटेबल हो जाएगी तो ऐसे वेजिटेबल सीड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट वन लेडी फिंगर सो मैनी सीड्स इन साइड द लेडी फिंगर ओके आपने देखा होगा भिंडी के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं एंड सेकेंड वन टोमैटो थर्ड वन कोकुम्बर एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे अदर चीज़ें भी होती हैं जो कि हम कोकुम्बर के बदले हम क्या लिख सकते हैं है, है? पम्पकिन तो लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि कोकुम्बर वेज उसमें नहीं आएगा वेजिटेबल्स में तो हम पम्पकिन लिख सकते हैं उसमें ठीक है लेडीज फिंगर टोमैटो एंड पम्पकिन ऑल राइट नाउ थर्ड वन सीड्स ऑफ फ्रूट्स ओके फलों के अब बीज हमें लिखने हैं जो फलों से इकट्ठे किए जाते हैं ऑलराइट ऐसे सीड्स जो फलों से इकट्ठे किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपने बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे खाए होंगे जिसमें सीड्स निकलते हैं ओके okay, बहुत सारे सीड्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जस्ट लाइक एप्पल ऑरेंज गुआवा ओके लीची ऑल राइट आप बहुत सारे ऐसे फल खाते हैं जिसमें इजीली आप क्या कर लेते हैं उसके सीड्स ले लेते हैं जस्ट लाइक एप्पल के बीच में भी सीड्स होते हैं ऑरेंज में होते हैं गुआवा में होते हैं लीची में होते हैं ठीक है मैंगो में सीड होता है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ऑल राइट नाउ नेक्स्ट लाइट सीड्स हल्के बीज अब आपको स्टूडेंट्स ऐसे बीज लिखने हैं जिनका वेट बहुत ही लाइट होता है मींस कि आप अगर उसको हवा से उड़ाएं तो वो इजीली उड़ जाएंगे ओके चेक बाय ब्लोविंग दैम उनको उड़ा कर भी आप फूंक मार कर भी पता कर सकते हैं कि ये सीड्स काफ़ी हल्के मैंगो के सीड को आप फूक मार के हटा सकते उड़ा सकते हो नो ओके बट अगर आप एप्पल के सीड्स को अगर फूक मार कर उड़ाएंगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा उड़ जाएगा ओके okay? तो ऐसे सीड्स क्या होते हैं आसानी से उड़ जाते हैं और क्यूमिन को भी आप उड़ा सकते हैं एनी सीड को भी आप उड़ा सकते हैं बाई फ्लोइंग डैम ओके सो राइट डाउन लाइट सीड्स चैक्ड बाई ब्लोइंग डैम इट्स अ क्यूमिन जीरा एनी सीड्स ऑफ ऑलराइट? नाउ नेक्स्ट सीड्स व्हिच आर फ्लैट तो स्टूडेंट्स अब हमें ऐसे सीड्स देखने हैं ऐसे बीजों का पता लगाना होता है जो फ्लैट है मींस की फ्लैट मतलब जो समतल होते हैं, गोल नहीं होते ओके okay? उनका जो आकार होता है वो क्या होता है फ्लैट होता है तो इसमें स्टूडेंट्स फ्लैट आकार की अगर हम बात करें तो क्यूमिन हम देखेंगे वो क्या होता है सीधा समतल होता है ना फ्लैट होता है ऐसी एनी सीड भी फ्लैट होता है सेसमी भी फ्लैट होता है ओके सो यू कैन राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेक मोर ग्रोप्स हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ़ सीट्स डिड यू मेक अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है और भी बहुत सारे सीट्स का ग्रुप बनाना है ठीक है और उस ग्रुप में आपको लिखना है हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीट्स डिड यू मेक आपने कितने प्रकार के ग्रुप्स बनाए कितने प्रकार के समूह बनाए ठीक है अब आपको इन बीजों का एक समूह बनाना है जस्ट लाइक like अभी यहाँ पे कुछ ऐसे मेक लिस्ट ऑफ़ ग्रुप्स दिए थे अब आप इसी के अपोजिट बनाएंगे जस्ट लाइक ई सीट्स के ग्रुप मतलब कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसे हम उसके सीट को भी खाते हैं तो आप लिख सकते हैं ईडीएबल सीड्स ग्रुप ओके एंड सेकेंड सीड्स विच गिव ऑयल सेकेंड ग्रुप थर्ड आप बना सकते हैं सीड्स यूज एज स्पाइसेस फोर्थ आप बना सकते हैं सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर ऐसे सीड्स जो पानी में तैरते हैं और आप अगला ग्रुप बना सकते हैं सीड्स सिंकिंग वाटर इन वाटर मीन्स कि ऐसे सीड्स जो वाटर में सिंक हो जाते हैं दूसरा और अगला ग्रुप आप बना सकते हैं वेरी स्मॉल सीड्स ओके और इसी के अपोजिट वेरी बिग सीड्स तो इसके अलावा भी आप अपने मन से कुछ भी सोच कर सीड्स के ग्रुप बना सकते हैं ऑल राइट नाउ नेक्स्ट डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीट्स डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ओके डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीट्स क्या आप कुछ ऐसे खेलों को जानते हैं जिसको बीजों के साथ खेला जाता है मतलब वो ऐसे कुछ आपको गेम बताने हैं जिनसे आप कोई बीज खे बीजों के द्वारा आप उसे खेलते हैं मीन्स कि क्या तुम बीजों से खेलने वाले कोई खेल जानते हो तो इस बारे में आप अपने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं ऑल राइट right? तो स्टूडेंट्स आपने भी शायद खेला होगा हम लोग भी अपने बचपन में कुछ सीड्स से खेलते थे ठीक है जस्ट लाइक स्टूडेंट्स मैंगो सीड्स आर यूज टू मेक अ टाइप ऑफ फ्ल्यूट ओके एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विथ टैमरिन सीड्स ऑल्सो ऑल राइट तो स्टूडेंट्स बचपन में या हो सकता है आप लोग भी खेलते हो कई लोगों ने अपने बचपन में इमली के बीजों से गोटी बनाकर खेला है और कुछ लोग मैंगो की सीट से हमने देखा मैंगो की सीट से वे बांसुरी बनाते थे सीटी बनाते थे ठीक है वो क्या बनाते थे मैंगो की सीट से फ्लूट बनाते थे और चिल्ड्रंस प्ले अ गेम विथ टैमरे सीड्स मीन्स इमली के बीच में जो सीड होते हैं उसको इकट्ठा करके वे गोटी खेलने का उसे काम करते थे ओके क्स्ट वेंडरिंग सीड्स ओके मीन्स होता है स्टूडेंट्स वेंडर घुमक्कड़ ओके वेंडर मीन्स घूमना वैंडरिंग घूमते रहना तो ऐसे भी कुछ बीज होते हैं जो घुमक्कड़ कहलाते हैं मीन्स की घुमक्कड़ बीज जो घूमते रहते हैं एक जगह पर स्टेबल नहीं होते सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड अबाउट वेंडरिंग सीट्स प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड ओके पौधे चारों ओर नहीं घूम सकते वे एक ही जगह पर रहते हैं कि आपने कभी किसी प्लांट्स को घूमते हुए देखा है ना नाबर कभी नहीं लेकिन बीज जो होते हैं कुछ बीज क्या करते हैं वे तो घूमते रहते हैं वंस दे ग्रो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स और ट्री वंस दे ग्रो जब वे उगते हैं दे रिमेन इन द सेम प्लेस तो वे उसी जगह पर हमेशा रहते हैं ये चलते नहीं है बट होते हैं वे बहुत ही ज्यादा ट्रैवलर होते हैं घुमक्कड़ होते हैं यात्री होते हैं लेकिन उनके जो बीज होते हैं वे बहुत ज्यादा घूमते हैं लुक एट पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स ओके चलिए आप पिक्चर वन अगले पेज में अभी हम देखेंगे उसे देखिए कि कैसे बीज उड़ रहे हैं यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स इट्स अ स्टेपल ट्री देखिए इसके बीच कैसे घूम रहे हैं और कैसे उड़ रहे हैं बोल रहे हैं राइट अ लेटर लेटर लिखिए ओके बाय ओके चिट्ठी लिखना ओके तो ये क्या कह रहे हैं चिट्ठी लिखना हम तो चले ओके बाय ओके सो हियर अगेन सम पिक्चर स्टूडेंट्स पिक्चर वन एंड पिक्चर टू इट्स आ ट्रैवलर सीट्स ये सीट्स एक जगह पर नहीं रहते ये तो उड़कर चले जाते हैं आपने मोस्टली स्टूडेंट्स सारे बच्चों ने इस सीट्स को देखा होगा जब आप कभी uh, ट्रैवलिंग में जाते हैं अपने गांव जाते हैं या कहीं जंगल में घूमने जाते हैं ओके okay? तो वहाँ पर अक्सर किसी लॉन्ग बड़े बड़े फील्ड में जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की जब आप जर्नी करते हैं तो हो सकता है ऑन द वे आपको इस टाइप के सीट्स उड़ते हुए दिखें ओके okay? और जो विलेजर्स हैं हमारे जो बच्चे गांव में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन, वो तो ये अक्सर ही देखते हैं इन को। और दूसरा here, ये कैसे होते हैं ये कटीले होते कि इस, इस के चारों चोटे -चोटे -चोटे से होते हैं जो कि किसी भी एनिमल्स की पूछ में उसके हेयर में या हमारे इवन हमारे कपड़ों पर भी चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ट्रैवलिंग करते हैं seen any seeds that can fly? Okay, क्या आपने कुछ ऐसे seeds देखे हैं जो कि उड़ सकते हैं? तो आपने definitely देखा होगा students, so you can write yes, I have seen seeds which fly. अगर आपने नहीं देखे हैं by chance, so you can write no, I have not seen seeds which fly. But mostly आपने हमारे school में भी students इन दोनों seeds को definitely देखा होगा, okay? So next question, what is a कॉल्ड इन योर एरिया आपके क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है तो स्टूडेंट्स हो सकता है आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम से आप इनको जानते हो जैसे कहीं पर कहा जाता है उड़ने वाले बीज कहीं पर कहा जाता है रुई वाले बीज ओके कहीं पर कहा जाता है बालों वाले बीज और कहीं पर कहा जाता है इस वाले को कहा जाता है ओल्ड वुमेन्स हेयर सीड्स मतलब बुढ़िया के बाल वाले बीज और इनको कटीले बीज कहा जाता है कांटेदार बीच कहा जाता तो जो भी स्टूडेंट्स आपके क्षेत्रों में इनका नाम होता है आप सोचिए और हमें बताएंगे ओके okay? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स लुक एट योर सीट कलेक्शन ट्रैवल्ड बाई फ्लाइंगट कलेक्शन और फिर से आपको अपने सीट कलेक्शन को देखना है और अनुमान लगाना है कि हाउ मैनी दोज कुड हैव ट्रैवल्ड बाई फ्लाइंग की इनमें से कितने उड़ कर जाते हैं ठीक है अब आपको इसमें पता लगाना है आपके सीट कलेक्शन में और देखना है कि तुम्हारे बीजों के समूह से कितने बीच हवा से एक जगह से दूसरे स्थान जाते होंगे या हवा से बिखर जाते होंगे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लुक एट द पिक्चर टू अब आपको पिक्चर टू देखना है यू कैन सी हेयर पिक्चर टू दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई अब इस पिक्चर इस सीड्स की हम बात करें जो इस पिक्चर में दिया गया है तो ये नहीं उड़ सकता बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाई स्टिकिंग ऑन टू द फॉर ऑफ़ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया था कि जो ये सीट्स होते हैं ये स्टिल ये उड़ते तो नहीं हैं बट ये ट्रैवल करते हैं यात्रा करते हैं मीन्स कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं कैसे जाते हैं बाई स्टिकिंग मीन्स की चिपक कर ओके okay. कहाँ पर चिपकते हैं ऑन द फर ऑफ एनिमल्स किसी भी जानवर के फर में ठीक है उसके हेयर में भी चिपकते हैं उसके फर में भी चिपकते हैं उसके बालों में चिपकते हैं ओके okay. उसके फायदर पंखों में चिपक सकते हैं और ऑन अवर क्लोथ्स और हमारे कपड़ों पर भी ये चिपकते हैं इन दिस वे इस तरीके से इट गेट्स अ फ्री राइड इस तरीके से इनकी मुफ्त की सैर होती है ओके डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दी सीड्स क्या आपको इन बीजों को देखकर आपके मन में कुछ नया आइडिया आया रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मैस्टर चलिए देखते हैं वेलक्रो का आइडिया जॉर्ज मैस्टल के दिमाग में कैसे आया ओके okay? तो स्टूडेंट जो ये जॉर्ज मैस्टुल थे ये कहाँ रहते थे स्विट्जरलैंड में रहते थे ठीक है स्विट्जरलैंड के हैं जिन्होंने वेलक्रो का आइडिया निकाला तो वेलक्रो आप लोग आपके स्कूल बैग में आपकी ड्रेसेस में स्पेशली आपके स्कूल सूज में और बैग में बहुत ज्यादा वेलक्रो का यूज होता है ठीक है तो आपने आपको मालूम है कि वेलक्रो का इन्वेंशन किसने किया ओके यस वेलक्रो का इन्वेंशन जॉर्ज मैस्टल ने किया था जो स्विट्जरलैंड के थे उनके पास ये आइडिया आया कैसे ठीक है तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है लेट्स रीड दिस स्टोरी This happened in 1948. यह 1948 में हुआ One day George Master came back from a walk with his dog. एक दिन George Master अपने dog के साथ walk करके वापस आ रहे थे He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो वे बड़े आश्चर्यचकित हुए जब वो आए उन्होंने देखा वे बहुत आश्चर्यचकित थे कि उनके जो डॉग था उनके कुत्ते के बदन में बालों में भी और उनके कपड़ों पर भी कुछ बीज चिपके हुए थे तो वे काफी एमेज हो गए काफी हैरान हो गए ही वंडर्ड वट मेड दैम स्टिक वे आश्चर्यचकित हुए कि ये मेरे कपड़ों में कैसे चिपक गए सो ही ऑब्जर्व दी सीट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप तो उन्होंने इन सीट्स को अपने कपड़ों से और अपने डॉग के बालों से निकाल कर उसको ऑब्जर्व किया उसको, 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 उसको ध्यान से देखा कहाँ पर अंडर अ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म दर्शी में उसको माइक्रोस्कोप में देखा बारीकी से कि इसमें क्या चीज़ है जो इतनी आसानी से ये हमारे साथ चिपक कर आ गई ही सॉ उन्होंने देखा दैट द सीड हैड मैनी टाइनी होक्स विच गॉड स्टक टू क्लोथ्स और फर उन्होंने देखा होक्स मीन्स होक ठीक है तो टाइनी मीन्स छोटे छोटे उन्होंने देखा कि बीज में कई सारे बहुत से छोटे छोटे होक थे जो कि में और कपड़ों में आसानी से चिपक जा रहे थे दिस गेव मैस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो इससे मैस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया विचार आ गया ओके ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी होक्स दैट वो डिस्टिक उन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया जिसमें ऐसे ही छोटे छोटे होक थे जो कि चिपक सकते थे वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगैदर मैनी थिंग्स वेलक्रो से दो चीज़ें आसानी से चिपका सकती दोनों चीज़ों को साथ में किन्हीं दो चीज़ों को आसानी से चिपकाया जा सकता है उन्होंने इसका प्रयोग किया क्लोथ्स में कपड़ों में सूच जूतों में बैग बैग में थैलों में बेल्ट्स में एंड मैनी मोर और भी कई चीज़ों में उन्होंने वेलक्रो का इस्तेमाल किया वट अ वे टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर ओके तो है ना मज़ेदार किस्सा हमारे नेचर का प्रकृति का जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं तो प्रकृति से ही हमारे नेचर से ही इंस्पायर होके मैस्टर ने वेलक्रो का इन्वेंशन किया ओके okay? जिससे आज हम अपने स्कूल स्कूल बैग अपने स्कूल सूच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग क्लोथ्स में वेलक्रो का बहुत ही यूजफुल प्रयोग करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स लुक एट दिक्चर्स गिवन बिलो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए एंड गैस और अनुमान लगाइए हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस कि कैसे ये सीड्स ट्रेवल करते हैं कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीड्स जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं तो स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्क्वेरल बर्ड एंड कोकोनट ट्री ओके तो स्टूडेंट

दे और सीड्स अपने बीजों को ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बहुत दूरी तक ओके वेन द सोयाबीन पॉट्स आर राइट जब सोयाबीन के पॉट्स मीन स्टूडेंट्स फलियाँ ओके जो सोयाबीन की फली होती जिसके अंदर सोयाबीन लगता है तो जब सोयाबीन की फलियाँ सूख जाती हैं या पक जाती हैं राइट ठीक है राइट मीन्स पकना दे बर्स्ट तो वे फट जाती हैं एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट और जो उसके बीज होते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं हैव यू एवर हर्ड देर साउंड आपने कभी इनकी आवाज़ सुनी है तो मे बी स्टूडेंट्स यू एवर हर्ड बट जिसने नहीं सुनी है तो इसमें एक साउंड uh, आती है स्टूडेंट इसके चटकने की इसके फटने की ओके okay? तो ऐसा क्यों होता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो क्या होता है ऐसा तो स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ओके सम प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं ओके okay? वो कहाँ तक जाते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जाते हैं तो अगर आपने कभी उसकी आवाज़ सुनी है तो हो सकता है कुछ बच्चों ने सु, सुनी हो और शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुनी होगी क्योंकि आप जनरली खेतों में नहीं रहते सोयाबीन के खेतों पर आप नहीं जाते हैं ओके okay? तो स्टूडेंट्स यू कैन राइट लाइक दिस नो आई हैव नॉट एनी थिंग एट सच नहीं मैं इस प्रकार का मैंने कभी नहीं सोचा या मैंने कभी नहीं सुना नो आई हैव नॉट हर्ड देयर साउंड्स यू कैन राइट ओके नाउ नेक्स्ट थिंक व्हाट वुड हैपन सोचिए क्या होगा इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली यदि सीड्स डिड नॉट स्प्रेड यदि ये जो बीज हैं वो नहीं फैलें हवा से या एनिमल्स के द्वारा ओके okay? नहीं फैलें और वो एक ही जगह पर रिमेनड मींस बने रहें और वो एक ही स्थान पर बने रहे तो क्या होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा इफ सीट डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली देन स्टूडेंट्स दे वुड फॉल अंडर द इट्स पेरेंट्री इट्स सेल्फ सो दैट इट वुड नॉट गेट इनअ सनलाइट वाटर हैंड द प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली ओके एंड दे माई डाई तो क्या होगा स्टूडेंट्स जैसे कि हमने कहा कि अगर ये हवा में उड़कर या जानवरों के आ, से इधर से उधर ना जाए किसी और अन्य कारण से अगर इनका स्प्रेड नहीं होगा सीड्स का तो ये अपने पेरेंट ट्री के पास ही पड़े रहेंगे मीन्स कि जहाँ पर पेरेंट ट्री है मतलब जो इनका पेड़ है वहीं पर रहेंगे और पेरेंट ट्री के पास रहने से इनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलेगी इनफ वाटर भी नहीं मिलेगा जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा और वो प्लांट खराब हो जाएगा मीन्स वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा ओके okay? so again i will tell you how you will write this answer so students you can write like this or you can tell if seeds did not spread and remained at one place only then they would fall under its parent tree itself so that it would not get enough sunlight water hence the plant will not grow properly and they might die all right नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय वेज सीड्स आर स्प्रेड ओके स्टूडेंट्स अब आपको एक ऐसी सूची बनानी है एक लिस्ट बनानी है जिसमें लिखना है कि बीज किस किस तरीके से स्प्रेड होते है, हैं बिखरते हैं ठीक है स्टूडेंट देखिए तीन एग्जाम्पल तो आपको यहीं पर दिए हैं कि कैसे बीज बिखरते हैं एक ये नदी के पानी में गिरकर दूर चला गया ये बिखर गया दूसरा बर्ड के द्वारा तीसरा स्क्वायरल के द्वारा तो तीन आंसर्स तो आपके पास यहीं पर हैं ठीक है नाउ आई विल टेल यू सीड्स स्प्रेड बाई वाटर विंड ओके एनिमल्स बर्ड्स ह्यूम्स एक्सेट्रा एनिमल्स के द्वारा होते हैं, बर्ड के द्वारा स्प्रेड होते हैं इवन ह्यूमंस के द्वारा भी स्प्रेड होते हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम वेयर कौन कहाँ से आया केम फ्रॉम वेयर कौन कहाँ से आया ओके अब हम देखते हैं कि कौन कहाँ से आया है यू इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंगस ऑल्सो इन यूर लिस्ट ओके क्या तुमने बीच को बिखराने वाली सूची में ह्यूमन बीइंग को भी इंसान को भी इंक्लूड किया है शामिल किया है येस वी ऑल्सो कैरी सीट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोविंगली और अनोविंगली तो हाँ स्टूडेंट्स हम भी तो सीट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करते हैं ना कभी-कभी हम जानबूझकर करते हैं जब हमें कोई पौधा पसंद आता है तो उसे हम किसी और स्थान से लाकर अपने घर पर लगा लेते हैं और या फिर हम अननोविंगली लाते हैं मींस कि अनजान अनजाने से वह हमारे साथ वे सीड्स हम उसे कैरी कर लेते हैं मींस कि हमारे कपड़ों पर आ जाते हैं ठीक है या कोई अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा चप्पलों में चिपक कर सूज में लग कर आ जाते हैं ओके okay? तो यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स तो हाँ हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं नोविंगली जानबूझकर कर या अनोविंगली अनजाने में ठीक है अनजाने में या जानबूझकर कर वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल टू ग्रो दैम इन अवर गार्डन देखिए अभी हमने आपको बताया ना कैसे लाते हैं हम कुछ प्लांट्स के सीड हम लेकर आते हैं जिसे हम बहुत सुंदर देखते हैं या यूजफुल देखते हैं तो टू ग्रो क्यों लाते हैं उसको अपने गार्डन में उगाने के लिए लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू दे टू अदर प्लेसेस और क्या होता है कभी कभी द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स इन पौधों के जो बीज होते हैं वे दूसरे स्थान पर भी बिखर जाते हैं मैनी ईयर्स लेटर पीपल में नॉट इवन रिमेम्बर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लीयर ठीक है तो बहुत वर्ष पहले क्या था स्टूडेंट्स लोगों को यह मालूम नहीं रहता था लोगों को यह या याद ही नहीं रहता था कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे क्योंकि बार बार फिर वे वहां पर उगने लगे दे वर ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स उन पौधों को तो उन बीजों को तो कहीं बाहर से दूसरी जगह से लाकर लाया गया था डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री क्या आप जानते हैं कि मिर्च हमारे देश में कहा से आई दीज वर ब्रॉड टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका ओके तो देखो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स की मिर्ची हमारे यहाँ पुर्तगाल देश के ठीक है कहाँ से पुर्तगाल देश के व्यापारी कहाँ से लाए दक्षिण अमेरिका से लाए थे भारत लाए थे ओके टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिली और ये आज हमारे देश में इतना उगाया जाता है चिली इतनी मात्रा में चिली हम उगाने लग गए हैं उसका इतना यूज़ करने लग गए हैं कि अब हम इसके बगैर खाने के लिए सोच भी नहीं सकते है ना हम अपनी सारी डिशेज में स्टूडेंट्स चिली यूज़ करते हैं ऑल ओके नाउ नेक्स्ट रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वे और अब हम एक पोयम स्टूडेंट्स यहाँ पर दी गई है अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे कि इसमें यह बताया गया है कि कौन सा पौधा कहाँ से आया है डिड यू नो दिस क्या आप इसे जानते थे ओके okay, तो आई आई श्योर स्टूडेंट्स आपको नहीं मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई थी ठीक है और जिसको मालूम है वेरी गुड ओके वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉलेज यू हैव और राइट जिसको नहीं मालूम तो स्टूडेंट्स लेट्स रीड ओके From South America long ago came a tomato, a potato and a green chili. Okay, तो students आलू potato और हरी मिर्ची बहुत वर्ष पहले South America से आई दक्षिण भारत से आई थी ओके okay, तो क्लियर हो गया टमाटो पोटैटो और हरी मिर्च बहुत वर्ष पहले कहाँ से आई साउथ अमेरिका से दक्षिण अमेरिका से आई डू यू नो दिस क्या आप यह जानते हैं अ कैबिज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी तो क्या आप जानते हैं कि कैबेज केम फ्रॉम यूरोप जो पत्ता गोभी है कैबेज होती वो हो, कहाँ से आई वो यूरोप से आई ओके एंड ऑल्सो पी और पत्ता गोभी के साथ साथ पी भी वहीं से आया यूरोप से आया पी मीन्स मटर और फ्रॉम अफ्रीका अफ्रीका से केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी और अफ्रीका से हरी भिंडी और कॉफ़ी आई देखो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स और आज हमें लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारे इंडिया में ही होती होंगी ओके दे क्रॉस्ड द लैंड दे क्रॉस द सी अब जो भी आए पोटैटो टमाटो ग्रीन चिली पी कैबेज कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी तो इन्होंने कई भूमियों को क्रॉस किया ठीक है कई रास्तों को इन्होंने क्रॉस किया कई रास्ते इन्होंने पार किए कई समुद्र इन्होंने पार किए दे क्रॉस्ड दसी उन्होंने रास्ते पार किए उन्होंने समुद्रों को पार किया डिड यू नो दिस क्या आप ये जानते थे ओके एंड अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट इज अ भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज कॉल्ड फैनो ग्रेक ओके okay. भिंडी को स्टूडेंट्स ओकरा भी कहा जाता है और मेथी को okay. मैंगो गाता है अंदर आओ अंदर आओ एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन ठीक है और ऑरेंज अपनी स्किन के अंदर हंसती है ठीक है अपनी स्किन के अंदर ऑरेंज मुस्कुराती है वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेट केला कहता है आओ भारत में आपका स्वागत है द मेथी एंड ब्रिंजल एंड रेडिस और मेथी और पालक बैगन और मूली अपना सिर हिलाते हैं कि आओ भारत में आपका स्वागत है डिड यू नो दिस क्या आप ये जानते थे राजेश उत्साही चकमक मे जून टू थाउजेंड टू ट्रांसलेटेड बाय अनूप लाल ओके okay? तो ये राजेश उत्साही ने लिखा है चकमक में जून 2002 में जिसको अनूप लाल ने ट्रांसलेट अनुवादित किया ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम इस पोयम को एक बार हिंदी सिंगिंग के रूप में हम इसे बोलेंगे ठीक है फ्रॉम साउथ अमेरिका लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स यू विल डेफिनेटली एंजॉय विद दिस पोयम फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो Came a tomato, a potato, and a green chilli. Do you know this? A cabbage came from Europe, and also a pea from Africa. Came a coffee bean and a green bhindi. They crossed the land. They crossed the sea. Did you know this? A mango sang. A mango sang.

आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी सात समुंदर पार से दुनिया के व्यापार मीन्स बाजार से दुनिया के बाजार से ओके व्यापार से उपहार से जंग लड़ाई मार से ठीक है हर हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी अब कौन कहाँ से आए स्टूडेंट्स हम उसे कैसे बोलेंगे दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी मसालों की है तीखी रानी ओके मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद टमाटर आए आलू मिर्ची चाय जी भिंडी भिंडी है अफ्रीका की और भूरी भूरी कॉफ़ी भी जो भारत में आई जी ओके मैंगो सैंड, ओके आम गाना गाता है ऑरेंज मुस्कुराता है ओके वेलकम टू इंडिया अब बनाना सैग और केला कहता है स्वागत है भारत में आइए मेथी पालक बैगन मूली अपना सिर हिलाते जी क्या आप ये जानते जी ओके okay? ऑल राइट स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स वट ऑल वॉच ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो ओके तो क्या क्या भारत में बहुत पहले से उगता था ओके वट ऑल वॉच इन ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो वर मैंगोज एंड बनानाज ग्रोन हेयर ओके व्हाट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज इमेजिन फूड विदाउट पटेटोज और सो नाउ हियर यू हैव टू टेल अबाउट व्हाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो क्या क्या चीज़ें भारत में पहले से उगती थी और क्या आम और केला यहां उगते थे ओके सो यू कैन से दैट लॉन्ग एगो इन इंडिया स्पेनिश रेडिस मैंगो ऑरेंज एक्सेट्रा वर ग्रोन इन इंडिया ओके बिकॉज यू कैन से फ्रॉम दिस पोयम यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोयम में भारत में क्या क्या चीजें उत्ती थी सो यू कैन से लॉन्ग एगो इन इंडिया स्पेनिश रेडिस मैंगो ऑरेंज एक्सेट्रा वर ग्रोन ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इज वर मैंगोव एंड बनाना ग्रोन हेयर क्या आम और केले यहाँ उगते थे ओके यस मैंगोस एंड बनानास ग्रोन हेयर आम और केला यहाँ उगता था क्योंकि पोयम है लिखा है स्टूडेंट्स अ मैंगो सैंग आम गाता है कम इन कम इन आप आ जाओ आ जाओ एंड ऑरेंज स्माइल इन साइड इट्स स्किन और संतरा अपनी स्किन के अंदर हंसता है और कहता है वेलकम टू इंडिया अ बनाना सैड ओके और केला क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है ओके okay? और उसके साथ साथ मेथी स्पेनिश ब्रिंजिल रेडिस भी अपना सिर घुमाते हैं हिलाते हैं और उनका वेलकम करते हैं तो इट मीन ये सब क्या है इंडिया में ग्रोन होते थे ओके सो यू कैन से दैट सेकेंड आंसर यस मैंगो एंड बनाना ग्रोन हेयर एंड फ्रॉम द अदर कंट्रीज वी गॉट आइटम्स थर्ड क्वेश्चन है ना कि आप अपनी का, दूसरी कंट्री से क्या लेते थे वट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटोज वट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज आप दूसरे देश से क्या लेते थे तो स्टूडेंट्स हम दूसरे देशों से क्या लेते थे अकॉर्डिंग दिस फ्रॉम अदर कंट्रीज वी गॉट आइटम्स लाइक टोमेटो पोटैटो कॉफी बीन एक्सेट्रा एंड स्टूडेंट लास्ट वन पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इमेजिन फूड विदाउट पोटैटो और टमैटो सो स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक सो आई कॉन्ट इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टमैटोज राइट सो यू कैन से दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू को

ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव लर्न ओके फ्रॉम दिस होल चैप्टर अब हमें बताना है कि हमने पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा हम क्या समझे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर व्हाट डू यू थिंक द सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग राइट इन योर ओन वर्ड्स हाउ वुड रीना सीट्स लुक इफ दे डिड Not get the things needed so by drawing a picture, okay. सो स्टूडेंट्स यार रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर रीना ने इस पिक्चर को बनाया इन जो बीजों की स्प्राउटेड पिक्चर्स थे अपने आप उनको बनाया देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे स्प्राउटेड पिक्चर बनाया सो वट यू थिंक द सीड्स नीड स्प्राउटिंग तो आपको क्या लगता है कि बीजों को स्प्राउट्स करने के लिए क्या चीज़ की क्यों स्प्राउट करते हैं क्या सोचते हैं आप स्प्राउट करने के लिए मीन्स कि इन बीजों को अंकुरित होने के लिए स्प्राउट होने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होगी जरूरत होगी राइट इन योर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में लिखिए एंड हाउ वुड रीना सीट्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नी डेड ओके और कैसे इन जरूरी चीज़ों से कोई ना कुछ ना मिले इन जरूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीच कैसे दिखेंगे अगर मीन्स कि अगर वो नहीं स्प्राउड होंगे ठीक है या कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो कैसे दिखेंगे सो बाई ड्रॉइंग अ पिक्चर आपको इसका चित्र भी बनाना है ओके स्टूडेंट सो यू कैन से दैट स्टूडेंट्स दैट एवरी सीड्स ओके एवरी सीड्स नीड फॉर स्प्राउटिंग टेल मी यस वाटर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग ओके हमने कई बार आपको बताया कि सीड्स को स्प्राउट करने के लिए सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर और एयर की होती है ओके सो यू कैन से एवरी सीड्स नीड वाटर टर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग एंड इफ देयर इज नो वाटर फॉर द सीड्स द सीड्स रिमेन्स द सेम ठीक है अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा एयर नहीं मिलेगी तो वो तो सेम रहेगा एंड इफ देयर इज वाटर बट नो एयर देन द सीड डजेंट स्प्राउड एंड वुड नॉट ग्रो ओके बट इट वुड जस्ट स्वेल अप तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर एंड एयर यू कैन सीड्स स्प्राउट्स ओके पॉसिबल नहीं है तो मीन्स कि अगर आपको किसी भी सीड को स्प्राउट करने के लिए आपको वाटर और एयर दोनों चाहिए अगर आपके पास वाटर है एयर नहीं है तो आपके सीड्स खाली स्वेलन अप होंगे मीन्स कि खाली भीग जाएंगे ओके okay? बट वो स्प्राउट नहीं होंगे और आपके पास ओनली एयर है वाटर नहीं है तो वो सीड्स आपके सेम टू सेम रहेंगे ओके okay? ऑल राइट नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हाउ डू सीट्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर ओन वर्ड्स तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे सीड्स दूर स्थानों तक बिखर जाते हैं मीन्स दूर स्थानों तक फैलते हैं इसको आप अपने शब्दों में लिखिए तो हमने आपको भी पहले बताया था इसके पीछे कई रीज़न होते हैं कि सीड्स ट्रैवल कर सकती है ठीक है वो कैसे ट्रैवल करती है स्टूडेंट सबसे जो मोस्ट इम्पोर्ट और जो कॉमन रीजन है वो तो क्या है स्टूडेंट्स सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एनिमल्स एयर एंड वाटर ये कॉमन चीजें हैं जो कि सीड्स को ट्रैवल कराती हैं एक तो चिड़ियाएँ पक्षी ठीक है वो उसको अपनी चोच में लेके नेस्ट बनाने में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं एनिमल्स उसके एनिमल्स की टेल में या फर में उनकी स्किन में कुछ सीड्स स्टिक हो जाते हैं और फिर कुछ दूर जाकर वो फिर से उसकी स्किन से गिर जाते हैं या वो एनिमल उनको खुद गिरा देता है ठीक है अपनी टेल को घुमाकर या लेट कर और ऐसी हवा से भी पेड़ के सीड उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वाटर में बहकर भी कोई सीड्स पेड़ से गिर उड़े और वो वाटर में गिर गए और वाटर के साथ बह फिर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ओके दस दीज एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होते हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं ओके सो अगेन वट यू विल राइट यू कैन से दैट यू विल राइट लाइक सीड्स आर स्प्रेड बाई वाटर मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स दस दिज एनिमल्स हेल्प इन स्प्राउटिंग सीड्स ओके तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स कुछ एनिमल्स क्या होते हैं जैसे मंकी है पैरट है बर्ड्स हैं तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स स्कूरल है ये किसी फ्रूट को खाते हैं और उसका सीट तो बहुत हार्ड होता है तो उस सीट को ये कहीं भी खाकर फेंक देते हैं तो उस जगह पर अगर प्रॉपर सॉयल सनलाइट और एयर वाटर उनको मिलता है तो वो सीट क्या होती है जर्मिनेट हो जाती है वहाँ पर ग्रो करने लगती है ओके तो कैसे स्टूडेंट्स एनिमल क्या करते हैं कुछ फ्रूट्स को खाते हैं और उसके सीट्स को कहीं पर भी फेंक देते हैं या जहाँ पर वो खा रहे हैं उसके सीट को वहीं पर फेंक देते हैं और वहाँ पर फिर सीट पहुँच जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ओके एंड सेकेंड रीज़न क्या है स्टूडेंट सेकेंड रीज़न इज दैट सम सीट्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल्स एंड दस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस ओके तो हमने सेकेंड रीज़न भी आपको बताया था ना क्या था सेकेंड रीज़न कि कुछ सीड्स जो होते हैं वो एनिमल्स की फर में या उसके हेयर में फर में स्टिक हो जाते हैं चिपक जाते हैं ठीक है तो इस वजह से वे क्या होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं ऑल राइट right, अब अगर हम इसका थर्ड रीज़न uh, देखें स्टूडेंट्स की कैसे सीट्स स्प्रेड होते हैं टू फार ऑफ प्लेसेस तो स्टूडेंट्स सम सीट्स आर फ्लोट ऑन वाटर ओके और क्या कुछ सीट्स क्या होते हैं वर्षा के कारण या नदियों में गिर जाते हैं या बारिश के पानी में बहकर चले जाते हैं या पानी से uh, उड़के कहीं जलधारा में गिर जाते हैं और फिर वहाँ से पानी के थ्रू किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जो, कुछ सीड्स जो होते हैं वो पानी में तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर लेते हैं ओके सो यू कैन से दैट फ्लोट ऑन वाटर एंड दस ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो हमने अभी एक बार पढ़ा था जो कांटे वाले सीड्स होते हैं ठीक है तो वे क्या करते हैं एनिमल्स के फर में चले जाते हैं और कुछ सीड्स बहुत हल्के होते हैं ठीक है उनका वेट जो होता है बहुत लाइट वेट होता है जिसकी वजह से वे हवा में उड़कर पेड़ से ही या जब वे जमीन में गिरते हैं तो हवा के साथ उड़कर वे ट्रैवल कर लेते हैं अदर प्लेसेस में ओके so you can say some seeds have thin hair and light weight okay some seeds have thin hair and light weight all right so that's why these seeds fly in the air and travel to other places okay, तो वो क्या करते हैं हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर easily travel कर लेते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ अगेन आई विल टेल यू हाउ डू सीट्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर ओन वर्ड्स आप इसको अपने ओन वर्ड पर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ठीक है दिस टाइम यू विल नॉट राइट इन योर फेयर कॉपी ओके फेयर कॉपी में हम आपको लिखाएंगे सो यू विल ट्राई टू राइट इन योर रफ कॉपी ऑफ दिस आंसर हाउ डू स्प्रेड सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस राइट इन योर ओन वर्ड्स ओके So, students again I will tell you, listen carefully what you will write. Okay. So, seeds are spread by birds, animals, air, and water, and many animals eat a fruit and throw the seeds. Okay. Thus, these animals help in sprouting seeds, and number two, some seeds stick to the fur of animals and thus are transported to other places all right and third one some seeds are float on water and thus travel to far off places and fourth one some seeds have thin hair okay some seeds have thin hair and lightweight very lightweight like cumin seeds okay any seed cumin seed ओके मस्टर्ड सीड ओके द सीड्स फ्लाई इन एयर एंड ट्रेवल टू अदर प्लेसेस तो ये सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे सीड्स जो होते हैं वे ट्रांसपोर्ट होते हैं टू फार ऑफ फार्लेसेज या वन प्लेस टू अन अदर प्लेस तो इसके जो मेन रीज़न हैं सबसे पहले तो हम कह सकते हैं सीट्स आर क्राउडेड बाई सीट्स आर स्प्रेड बाई ब एनिमल्स एयर एंड वाटर तो मेन हमारे ये चारों पॉइंट इस लाइन पर भी आ गए स्टूडेंट्स ठीक है जो मेनली जो सीड्स होते हैं वे स्प्रेड करते हैं बर्ड्स के द्वारा एनिमल्स के द्वारा एयर के द्वारा और विंड एयर और वाटर के द्वारा ठीक है अब डिटेल में अगर हम बताएंगे तो डिटेल में हम कह सकते हैं मैनी एनिमल्स ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड्स ओके सो दीज एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑल राइट तो वे किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल हुए एनिमल्स के द्वारा और बर्ड्स के द्वारा एनिमल और बर्ड्स ने उसको खाया और उसके सीड को वहीं पर फेंक दिया तो इससे क्या हो गया सीट वो खाते हुए उस स्थान पर तो नहीं खाएंगे वो दूसरी जगह खाते हैं या खाते हुए चलते हैं तो उस आ, सीट को वो वहाँ पर फेंक देते हैं ऑल राइट right. और ऐसे ही स्टूडेंट्स कुछ सीड्स कैसे होते हैं वो हमने पढ़े थे ना हम यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिखाए थे ऐसे सीड्स के यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सच टाइप ऑफ सीड्स इन पिक्चर वन एंड पिक्चर टू तो जो पिक्चर टू का सीड है ये तो क्या होता है किसी भी एनिमल के हेयर में टेल में फैदर में चुभ जाता है मीन्स स्टिक हो जाता है कुछ टाइम के लिए ठीक है और फिर वो उसके बॉडी के साथ उसके शरीर के साथ उस एनिमल उस बर्ड या एनिमल के साथ फार ऑफ प्लेसेस जाता है और कहीं पर भी फिर वह गिर जाता है ठीक है तो ऐसे उसका क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है और कुछ सीट्स स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इतने लाइट वेट के होते हैं कि जैसे ही विंड चलती है ठीक है जैसे ही हवा चलती है तो ये सीड्स अपने आप ही उड़ते चले जाते हैं हेयर है हमने यहाँ पर एक पिक्चर भी देखा था स्टूडेंट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर देखो कैसे ट्री से ये सीड्स उड़ के जा रहे हैं है ना और ये ट्री उनको बा बाय बोल रहा है और कह रहा है राइट अ लेटर पत्र लिखते रहना ओके बाय ठीक है तो कुछ सीड्स क्या होते हैं हवा के साथ ऐसे उड़कर चले जाते हैं और कुछ सीड्स देखो यहाँ पर एनिमल बना हुआ है स्टूडेंट्स कैसे इसकी बॉडी पर वन टू

ठीक है देखिए कैसे इसकी बॉडी पर ये वाले जो कांटे वाले बीज हैं कांटे वाले जो ये सीड हैं कैसे इसकी बॉडी में चिपक गए हैं डॉग का पिक्चर है ये चिपक गए हैं देखो पांच सीड यहाँ पर चिपक गए हैं अब डॉग कुछ दूर तक जाएगा और हो सकता है जब उसको ये सीड चुभ हैं या कुछ प्रॉब्लम करें तो ये डॉग अपने हाथों से या अपने टेल से हिलाकर इन सीट को वहाँ पर निकाल देगा या फिर कुछ समय के बाद जब डॉग लेटता है या खेलता है तो खुद भी उसकी बॉडी से उसके हेयर से के सीड्स अपने आप ही निकल जाते हैं ठीक है तो इस प्रकार से क्या होता है सीड्स क्या करते हैं स्प्रेड होते हैं टू फार ऑफ प्लेसेस ऑल राइट स्टूडेंट्स ओके नाउ स्टूडेंट्स your चैप्टर इज finished एंड your क्लास इज ओवर नाउ So, tomorrow I will be back with new chapters, chapter number 6, Every Drops Count. Okay. So, students, you revise this work, later we will do writing work. Okay. So, at first we will read some chapters, after that we will do writing work. So, till then, students, I will be back tomorrow. Till then, bye. Take care. Have a nice day, students.